हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे भरा जाता है। इस फॉर्म की मदद से आप बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए में एग्जाम ले सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, upc.nic.in। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजी, एमसीए, एमबीए, एमटेक। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जो ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च है, दोपहर 2 बजे तक। फिर आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है कि आपको यहां पर क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक न्यू पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, जिस पे क्या कि थोड़ी सी बेसिक जानकारी लिखी होंगी कि जो फीस है वो 1300 रुपये है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और एससी एसटी के लिए 650 रुपीज है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इतनी ही फीस है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहां पर क्लिक कर देना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होके आएगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा, जहां पे आपको अपना पहले नेम डालना होगा। मैं अपना नेम डाल देता हूं। करने के बाद आपको अपने पिता का नाम डालना है। इसके बाद आपको अपनी माता का नाम डालना है, और एक जो कि आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है। इसके बाद 10th की मार्कशीट आपको देखनी होगी। इसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है, जो आपकी जन्मतिथि है वो आप यहां पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना एक आईडी लगानी है इसमें एक, तो आप पासपोर्ट, वोटर आईडी वगैरह कुछ लगा सकते हैं, बैंक की पासबुक जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, तो आप वो अपनी सर्च क्लिक करिए और अपनी आईडी डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको फिर नीचे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होगी, जिसमें आपको अपना घर का एड्रेस डालना होगा, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो ये सब मैं जल्दी से फिल कर लेता हूं, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूं। जैसे ही आप अपना एड्रेस फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। तो आप कोई भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं, एक अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए जिसमें कि 8 से लेकर 13 करेक्टर होने चाहिए, जिसमें एक कैपिटल में भी होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक न्यूमेरिक भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5, और एक स्पेशल करेक्टर एट द रेट वगैरह होना चाहिए। तो अपना आप पासवर्ड बना लीजिएगा। मैं अपना पासवर्ड जल्दी से बना लेता हूं। फिर से वही पासवर्ड आपको लिखना है यहां पे। फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है, जैसे कि आप कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख के फिर उसका आंसर लिखना है क्या है। इतना करने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे आपको फिल करना है, तो आप वो जल्दी से फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी, जहां पे क्या है आपको यहां पे ऐसे टिक लगा देना है कि हाँ मैंने अपना चेक कर लिया, अपने पिता का नाम, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपनी माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, और आई एग्री पे करके फाइनल सबमिट कर देना। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे, फिर आपको एक एक अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। फिर आपको अपना यहां पर क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप ये करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, फिर आपके पास आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आपका डिटेल्स भी आ जाएंगी। इतना करने के बाद क्या है कि आपको अपनी और डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे आपकी नेशनलिटी क्या है, तो आप इंडियन सिलेक्ट करिएगा। पेरेंट डोमिसाइल कहाँ का है, तो आप वो सिलेक्ट करिएगा। तो एक एक करके ये जानकारी आपको पूरी सिलेक्ट कर लेनी है ऊपर से नीचे तक। फिर आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड या अपीयर्ड फ्रॉम द कॉलेज सिचुएटेड इन, तो आपको अगर आप फिर आपको ये चूज करना है कि आपका कॉलेज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश से बाहर। फिर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है। यूपीजी का मतलब उत्तर प्रदेश जनरल, उत्तर प्रदेश एसटी, उत्तर प्रदेश एसटी, उत्तर प्रदेश बीसी, यूपीजी ईडब्ल्यूएस यानी उत्तर प्रदेश जनरल, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो भी आप हैं वो आप चूज कर लीजिएगा। इतना करने के बाद क्या है कि आपको अपनी सब कैटेगरी चूज करनी है। सब कैटेगरी अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो सेलेक्ट करिए, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉलो होते हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको एक सब कैटेगरी, और इसके बाद आपको चूज करना होगा आप डिफेंस पर्सनल हैं, आप रक्षा कार्मिक प्राथमिकता है, जैसे डिफेंस में
फिर रूरल वेटेज क्लेम्ड, अगर आप रूरल जगह से आते हैं, ग्रामीण से आते हैं, तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा। इसके बाद क्या है कि आपको अप्लाइंग फॉर पूछेगा, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूजी कोर्स के लिए कर रहे हैं तो यूजी सेलेक्ट रहने दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी अगर आप बीटेक के लिए कर रहे हैं तो यूजी ही रहने देना। अब क्वालिफाइंग एग्जाम पूछ रहा है, आपने इंटरमीडिएट करी है तो यस कर दीजिए, इस पर टिक लगा दीजिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा पर टिक लगा दीजिएगा, और आपने फार्मेसी वगैरह करी है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो सारा कुछ आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी आपको चूज करनी है, आप कहाँ कहाँ पे अपना एग्जामिनेशन चाहते हैं, तो पहले आपको क्या है कि वो स्टेट चूज करनी होगी जहां पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं। उसके बाद क्या है, आप अपनी सिटी चूज कर सकते हैं। ऐसे एक एक करके आप सारे अपने भर लीजिएगा। मैं जल्दी से अपना भर लेता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। इतना करने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपने इंटरमीडिएट करी, आप पास्ड हैं या अपियरिंग हैं आप। फिर उसके बाद आपको अपना बोर्ड चूज करना है कि आपका बोर्ड है कौन सा। बोर्ड चूज करने के बाद आपको अपनी जो पासिंग बोर्ड चूज करने के बाद आपको अपनी पासिंग ईयर चूज करनी है कि आपने पास कब किया है इंटरमीडिएट का एग्जाम। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है, परसेंटेज में, या फिर आपको रिजल्ट मोड चेक सेलेक्ट करना है परसेंटेज। फिर उसके बाद क्या है कि आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी, मार्क्स की डिटेल्स, की आपको कितने मार्क्स मिले। तो पहले आप अपने टोटल मार्क्स डालिएगा, आपके टोटल मार्क्स कितने, फिर आपको जितने ऑब्टेन मार्क्स मिले हैं वो आप डालिएगा। इतना ऐसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख के आने लगेंगे। फिर आपको क्या, अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर हो 12th का वो आप डाल दीजिएगा। फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, इतना करने। फिर आपको अपना इंस्टीट्यूट का कोड डालना है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का कोड हो वो आप यहां फिल कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या है कि यहां, इतना करने के बाद आपको यहां अपने सब्जेक्ट चूज करने की, आपने के कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे 12th में, तो आप वो सारे सब्जेक्ट यहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपने पढ़े हों। इतना करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा सीकिंग एडमिशन फॉर, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। ये ऑप्शन इसके लिए है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि सेकेंड ईयर लेटर एंट्री में आ रहे होते हैं, तो वो उसके लिए है, तो वो इस पे टिक नहीं करेंगे। अब क्या है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीटेक, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमटेक के लिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज्यादा कोर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कोर्स सेलेक्ट करना है। ओके, फिर क्या है कि देखिए, फिर आपको नीचे अपना पिन, ये कैप्चा, फिर आपको नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो आपको फिल कर देना है और सबमिट पर। फिर आपको यहाँ पे टिक करना है माई नेम, माई फादर, माई मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटी, एजुकेशनल डिटेल्स, इन सब पे टिक कर देना, और आई एग्री पे टिक करके फाइनल सब आप फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा, फिर आपको अपनी इमेज अपलोड करनी होगी, जो जो कि आपको आप, तो मैं जल्दी से अपनी इमेज अपलोड कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे आपको दिखाता हूं। सो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा, जहां पे क्या है एक एक करके आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं यहां पर क्लिक करके। और जो फोटो का साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB के बीच में। तो मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, फिर आपको क्या है कि फी पेमेंट करना होगा, 1300 रुपये करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। फिर आपको यहां पर क्लिक करना होगा, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा ऑनलाइन पेमेंट, आपको इसे सेलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है आपको। फिर कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, फिर आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं SBI से, ICICI बैंक के पेमेंट गेटवे से। अब मैं आपको पेमेंट करना नहीं सिखा रहा हूँ, आप पेमेंट खुद देख लीजिएगा कैसे करना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उन्हें जानकारी मिले कि कैसे ये फॉर्म भरा जाता है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।